गांव की जरूरतों व आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के तहत एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद शाहजहांपुर के ब्लॉक खुटार में स्थित रजमना गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 4 किलोमीटर दूर है। लगभग 2400 की आबादी व 1250 वोटरों द्वारा अधीर शुक्ला को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 450 राशन कार्ड धारक लाभार्थी हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला में भी बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 23 हैंडपंप लगाए गए हैं। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 80 विद्युत पोल, 1 विद्युत ट्रांसफार्मर व 16 लाइटें भी लगी हुई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 3 सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, पुलिया, पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 140 इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 आवासों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, बारात घर, स्वास्थ्य केंद्र, शमशान घाट, पानी की टंकी, पंचायत भवन, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 160 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 50 इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। प्रधान ग्राम पंचायत रजना विकास खंड खुटार जनपद शाहजहांपुर खुटार हूँ। मैंने अपनी ग्राम पंचायत में खड़ंजा, नाली, शौचालय, स्कूल आदि काम कराए और आगे भी शौचालय लगभग 150 शौचालय बनवा चुके हैं। आगे शासन से कई बार हमने मांग कर चुके हैं। हमारे गांव में एक तो पंचायत भवन नहीं, पेयजल व्यवस्था की सुविधा नहीं, दूसरी चीज जो सरकारी संपत्ति है उस पर लोगों ने कब्जा कर रखा है, जो कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई समस्या का निराकरण नहीं हो पाया। विद्युत कार्य अधूरा पड़ा है। हम लोगों को 3500 रुपये जो मानदेय मिलता है वो तो ना के ही बराबर समझो, क्योंकि पर डे एक मनरेगा से कम हमारी मजदूरी है। कहते हम सचिव से, जब सांसद विधायक अपने सचिव से 1 रुपये ज़्यादा मांगते तो हमारा भी मानदेय कह रहे हैं हमारे सचिव से 1 रुपये ज़्यादा हो। जमीन से जुड़े लोग हैं यहाँ पर, कई एक तरीके समस्याएं हैं, कई एक प्रॉब्लम आती हैं, तो जिससे कि कोई आना जाना या कि पर डे लगभग 200-300 रुपये तो खर्च हो जाता है समस्या के संबंध में।